तमिलनाडु प्रीमियर लीग में अब बारी है फाइनल मुकाबले की। नल्लई रॉयल किंग्स और लाइका कुआई किंग्स के बीच 12 जुलाई को शाम 7:30 बजे से ये फाइनल मुकाबला शुरू हो जाएगा और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फैंटेसी 11 टीम किस तरीके से आप बना सकते हैं, किन किन खिलाड़ियों को चुनकर आप ये टीम बनाएंगे और आप ढेर सारे पॉइंट्स भी कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कौन सा प्लेयर आपके लिए की फैक्टर साबित हो सकता है और आपको ढेर सारे पॉइंट्स जितवा सकता है, इस वीडियो में उसी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो एनआरके वर्सेस एलकेके के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 12 जुलाई, जैसा कि मैंने बताया शाम 7:30 बजे से ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। दोनों ही बेस्ट टीमें रही हैं, अभी तक शानदार प्रदर्शन रहा है, कुछ उभरते हुए सितारे दोनों ही टीमों में से देखने को मिले हैं। एलकेके की बात करें तो वहां पर साय सुदर्शन तो अब टीम के साथ है नहीं, लेकिन शाहरुख खान टीम की कप्तानी कर रहे हैं, एक अच्छी बेहतरीन स्टेबल टीम नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर एनआरके की बात करें तो वहां पर भी कुछ उभरते हुए सितारे हैं, चाहे कप्तान अरुण कार्तिक की बात हो, अजितेश गुरुस्वामी की बात हो, ऋतिक ईश्वरन के 11 गेंद में 39 रनों की वो पारी पिछले मुकाबले में देखी थी, सभी को हैरान कर दिया था। तो चलिए खिलाड़ियों को चुनकर बनाएंगे फैंटेसी 11 टीम, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले बात करें एलकेके की तो एस सुजय और जे सुरेश कुमार ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, बी सचिन आते हैं, राम अरविंद, अतीकुर रहमान, यू मुकिलेश, शाहरुख खान, एम मोहम्मद, एम सिद्धार्थ, जे सुब्रमण्यन और यू युधिष्ठिरन आएंगे यहां पर। ये हो सकती है एलकेके की संभावित प्लेइंग 11। वहीं एनआरके की बात करें तो अरुण कार्तिक कप्तान है, अजितेश गुरुस्वामी नंबर 3 पर भी आ सकते हैं, ऋतिक ईश्वरन है, नीतीश राजागोपाल है, सोनू यादव, एल सूर्यप्रकाश, एन एस हरीश, एम प्योजुमाही और संदीप वॉरियर है, एस मोहन प्रासत है और लक्ष्य जैन है। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर नजर डालें फैंटेसी 11 टीम पर तो अरुण कार्तिक, अजितेश गुरुस्वामी और जे सुरेश कुमार को आप विकेट कीपर्स की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। अजितेश गुरुस्वामी को आप कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि लगातार शानदार फॉर्म में है, लगातार 50 नॉक उन्होंने खेली हैं। बल्लेबाजों की बात करें तो यू मुकलेश, एस सुजे को आप टीम में रख सकते हैं, ऑलराउंडर्स में सोनू यादव और शाहरुख खान आप रख सकते हैं, शाहरुख खान को कप्तान बना सकते हैं। गेंदबाजों की बात करें तो एम मोहम्मद, मणिमरन, सिद्धार्थ, एम प्योहिजुमाही और के गौतम को आप टीम में शामिल कर सकते हैं। तो ये है फैंटेसी 11 टीम जिससे आप ढेर सारे पॉइंट्स भी कमा सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सूझबूझ से खेलिए, जिम्मेदारी से खेलिए और टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 आ जाए उसके हिसाब से अपनी फैंटेसी 11 टीम्स में कुछ बदलाव करने बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से आपकी क्या फैंटेसी 11 टीम होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।